Hey guys, this is me, Pradeep Saini, and welcome back in my YouTube channel and Clicksar in preparation with Pradeep Saini. Guys, today I'm gonna share very, very important information with you. You all know that NCSBN ne exam ka pattern change kar diya hai, aur next year se next year April 2023 se next generation jo hai NCSBN ne introduce kar diya hai aur wo next year se shuru ho jaye. So those student who want to planning to give the NCLEX-RN exam before the next generation, so start your preparation immediately. Don't delay it because next year 2023 se pehle kuch bhi change hone wala nahi hai. Ab aap logon ke liye question ye banta hai ki aisa kya padha jaye ki jisse next generation aane se pehle hamara exam first attempt mein hi clear ho jaye, ya fir ye bol sakte ho ki aap ek do attempt jo aapne lene hai ki next generation aane se pehle hamara exam clear ho jaye. Question is that ki kya aisa pad sak kya kya padhna chahiye hame jisse hamara exam clear ho jaye. The solution is that first bring your subscription of Archer. Archer mein about 2800 question hai. So 50 question per day ke hisab se aap logon ko about 2 months lagenge, hai na? 2 mahine aapko lagenge Archer ki subscription khatam karne mein. To jab aapne Archer ko pura padh liya, तो देन सेकंड स्टेप आपका बनता है कि ब्रिंग योर सब्सक्रिप्शन ऑफ यू वर्ल्ड. अब आप बोलोगे यार यू वर्ल्ड तो आर्चर तो मैंने पूरा पढ़ लिया, अब यू वर्ल्ड पढ़ने की क्या जरूरत है ना. तो इसमें जब आप आर्चर के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो, है ना, कुछ ऐसे टॉपिक रह जाते हैं आर्चर भी कंप्लीट नहीं कर पाता. इवन आप जब 2800 क्वेश्चन आप पूरे पढ़ लेते हो तो हमारे जो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी ऐसे ही किया था, कुछ टॉपिक हमारे रह जाते हैं. जैसे कि एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाता है कि हमें पहले कभी पढ़ा ही नहीं था, है ना, तो कुछ ना कुछ टॉपिक मिस हो जाते हैं जब आप एक ही ऑथर को फॉलो करते हो. तो उसके बाद जैसे सपोज आपने यू वर्ल्ड का सेकंड स्टेप है, यू वर्ल्ड की सब्सक्रिप्शन ले ली आपने, है ना, जिस दिन आपका आर्चर की सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होती है उसी दिन से या नेक्स्ट डे 2-3 दिन का गैप देके आप यू वर्ल्ड की सब्सक्रिप्शन ले लो. यू वर्ल्ड की सब्सक्रिप्शन जिस दिन आपने लेनी है उसी दिन आप एग्जाम की डेट भी फिक्स कर दो विद इन 45 डेज और 2 मंथ के अंदर अंदर, क्योंकि 2800 आपके यू आर्चर के क्वेश्चन है और 2200 आपके यू वर्ल्ड के क्वेश्चन है. तो पर डे 50 क्वेश्चन के हिसाब से आपके जो यू वर्ल्ड के क्वेश्चन हैं वो अबाउट 45 डेज में आपके कंप्लीट हो जाएंगे. टेक्निकली अगर टेक्निकली आप देखते हैं तो आर्चर आपने 2 महीने में ख़त्म कर दिया था 50 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से, जिसके क्वेश्चन थे टोटल 2800 और 2 मंथ में आपने कंप्लीट कर दिए हैं. और सेकंड स्टेप आपका यू वर्ल्ड पे आता है. जैसे यू वर्ल्ड के 2200 क्वेश्चन हैं, टेक्निकली 50 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से 45 डेज आपको इसको फिनिश करने में लगेंगे. तो अगर आपका सम लमसम डेज कैलकुलेशन होती है आपकी तो ये 3 मंथ और 15 डेज बनते हैं, 3.5 महीने बनते हैं, है ना. तो 3.5 महीनों में आप एग्जैक्टली 5000 क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, ख़त्म कर चुके होंगे 5000 क्वेश्चन 3 मंथ में, 3.5 महीनों में, है ना. तो 3.5 महीनों तक अगर आप आज प्रिपरेशन आज कैलकुलेशन आप लगाते हैं कि 3 महीने बाद 3.5 महीने बाद मैंने एग्ज़ाम देना है, तो आपका 3.5 महीने बाद आप 5000 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे. और आई गारंटीड यू कि 5,500 क्वेश्चन करने के बाद, जो कि टॉप ऑथर है यू वर्ल्ड और आर्चर, इनके क्वेश्चन करने के बाद आपका 110% एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा. इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा. दोनों ऑथर को फॉलो करने के बाद आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होता. जो टॉपिक आपका यू वर्ल्ड में मिस होता है वो आर्चर में कवर हो जाता है, जो टॉपिक आर्चर में मिस होता है वो यू वर्ल्ड में आपका कवर हो जाता है. तो इसलिए दोनों ही ऑथर को, दोनों ही जो सब्सक्रिप्शन है वो दोनों ही सब्सक्रिप्शन एग्जाम देने से पहले पूरा पढ़ के जाओ. 3.5 महीनों में 5,500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे. अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है, जिनको टाइम चाहिए, न्यू ग्रेजुएट है, एक्सपीरियंस कम है. अब उन स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं जिनका एग्ज़ाम देने का प्लान है 6 मंथ में भी, आफ्टर 6 मंथ. तो उन लोगों को भी डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. जो न्यू जनरेशन प्रो
प्रोग्राम जो लॉन्च कर रहे हैं एनक्लिकारेन एग्जामिनेशन में, उसमें जो न्यू स्टूडेंट है वो कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं कि जैसे जो यू वर्ल्ड है, जो आर्चर है और जो कैपलन है, इन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम पैटर्न सेट कर दिया है इनकी वेबसाइट पे। अगर आप जाके चेक करोगे तो न्यू जनरेशन एनक्लिकारेन एग्ज़ाम पे आप जब क्लिक करते हो तो जो नए स्टूडेंट है, जो न्यू स्टूडेंट है जिनका एग्ज़ाम देने का प्लान है कि आफ्टर 6 मंथ देना है, आफ्टर न्यू जनरेशन के बाद एग्ज़ाम देना है उन्होंने, तो उन लोगों को ये जो करंट सब्सक्रिप्शन है ये परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में भी वो लोग न्यू जनरेशन की प्रिपरेशन, न्यू जनरेशन की जो सब्सक्रिप्शन है वो परचेज कर सकते हैं और वहाँ से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। जैसे 6 मंथ बाद ये पैटर्न चेंज हो जाएगा और 6 मंथ तक वो रेडी भी हो जाएंगे, आप लोग रेडी भी हो जाओगे एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप कैपलन की वेबसाइट पे जाओगे, यूवर्ल्ड की वेबसाइट पे जाओगे, आर्चर की वेबसाइट पे जाओगे तो उन्होंने ऑलरेडी न्यू जनरेशन एनक्लिकारेन एग्जामिनेशन का पूरा सेटअप और पूरा जो क्यू बैंक है वो सेट करके रखा हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरी गुड न्यूज़ ये है न्यू जनरेशन के बारे में, मोस्टली स्टूडेंट्स स्केयर ही होते हैं इस चीज़ को देख के, बट आप लोगों को स्केयर होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर, थोड़ा सा चेंज है। डिफ़िकल्ट पार्ट इसका ये है कि NCSBN ने प्लान किया है कि कुछ केस स्टडी इसमें ऐड करने का, 3 से 4 केस स्टडी आप लोगों को आएगी इसमें, और केस स्टडी आपको पूरा केस स्टडी पढ़ने के बाद फिर नीचे साटा वाले क्वेश्चन होते हैं केस स्टडी के, केस स्टडी आपने फिनिश कर लिया फिर उसी केस स्टडी के सिनेरियो के अंदर आपको साटा के क्वेश्चन मिल जाएंगे। साटा के क्वेश्चन में से ये होता है कि केस स्टडी फिनिश होने के बाद आपने साटा के क्वेश्चन ठीक करने होते हैं उसमें से, जैसे यूजली हम आजकल के सिनेरियो में करते आ रहे हैं। तो इसमें बेसिकली डिफरेंट ये है कि जब आप साटा के क्वेश्चन समरी पूरी आपने केस स्टडी पढ़ने के बाद साटा के क्वेश्चन के आंसर देते हो ना, तो उसमें आप लोगों को सपोज कि आपने नेगेटिव आंसर, आपने रॉन्ग आंसर चूज़ किया है, तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव और पॉजिटिव मार्किंग में ऐसा होता है कि जैसे एग्ज़ाम आपने एक बारी पहले दिया है और आप एग्ज़ाम में फेल हो चुके हो, लेट्स सी एग्जांपल के लिए ना, तो इसका जो रिजल्ट होता है आपके पिछले एग्ज़ाम को कोरिलेट करके नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी वो आपकी जो प्लस पॉइंट है वो आपके ऐड होंगे उस एग्ज़ाम में, नेक्स्ट जो आप अटैम्प्ट करोगे। तो ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। और सेकंड जो पॉजिटिव है इस चीज़ में, बेस्ट पार्ट सेकंड है जो, वो ये है कि आप लोग जैसे आपने एग्जांपल के लिए आपने साटा के 6 ऑप्शन थे नीचे, 6 में से आपने 3 गलत कर दिए, 3 ठीक कर दिए, तो वो 0 काउंट होगा, उसमें आपका कोई लॉस नहीं है ना। और लेट्स से कि आपने 4 ठीक कर दिए, 2 गलत कर दिए, तो फिर भी आपको उसमें से 1 नंबर मिलेगा। ऐसे इसका ये बेस्ट पार्ट है। और दूसरा बेस्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया कि आपके पिछले एग्ज़ाम का भी स्कोर इसमें, जब आप नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दोगे तो उसमें भी आपका ये स्कोर काउंट होगा। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, जस्ट यू कैन रीच मी एट एनी टाइम, आई विल बी देयर फॉर यू। एंड आई पर्सनली रिक्वेस्टेड टू यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा ही अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ आप अपने कॉलेज के और आपके व्हाट्सएप कॉलेज का जो ग्रुप है, आपका स्टूडेंट क्लास का जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को और उस ग्रुप में ज़रूर डालिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।